मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में सुबह सवेरे मॉर्निंग क्लास ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दमोह जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विस्तार पूर्वक जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जुड़े तो दमोह जिले के विधायक पीएल तंतवाय हटा और धर्मेंद्र सिंह लोधी जवेरा और कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार वन मंडल अधिकारी एम एस उइके सहित जिलाधिकारी वी सी रूप में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। शुरुआत करेंगे जल जीवन मिशन से ही। अभी तक केवल 40% लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। कितनी योजनाएं स्वीकृत है, कितनी का काम समय पे चल रहा है, रीस्टोरेशन की क्या स्थिति है। देखिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों को नल से जल घर में पहुंचाना। एकल जल योजनाएं जो पूरी, क्योंकि मैसेज के लिए भी जरूरी कि जनता से सीधे बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आपका ऐसे कितने मकान है जो किस्त होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुए या काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण में क्या स्थिति है सर? ग्रामीण में अपना एसीसीसी का जो पहला वाला है सर, 1,05,000 का टारगेट मिला था। सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें हैं और ये मैक्सिमम शिकायतें किस्त प्राप्ति है तो अनुचित राशि मांगने की है। अनुचित राशि मतलब पाप है, अपराध है। सीएम जनसेवा का क्या हाल है? सीएम जनसेवा का कल तक 81,000 आवेदन जो है हम लोगों को प्राप्त हुए सर, फीडिंग हो गए हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा की रिपोर्ट सर? मुख्यमंत्री जनसेवा में सर हम लोगों के पहले चरण के पूरे शिविर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसको बहुत गंभीरता से कीजिए। ठीक, विधायक साथी भी बता रहे हैं कि ठीक हुए हैं। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम जनता काय को चक्कर लगाए, शिविर लगा के वही समाधान कर लें। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ? सर नशे का जो अभियान सर 8 तारीख से चला सर, उसमें सर 9 NDBS के बना बने हैं सर और 181 सर 183 सर आबकारी के बना बना सर, काफी कार्रवाई हुई सर। देखिए, बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। तो समझाए इसका काम, जन जागृति का काम, गलत धंधा करने वालों की कमर तोड़ने का काम, ये दोनों एक साथ हमको करना है। राशन में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें? पिछले महीने हम लोगों के 198 शिकायतें आई थी सर, पात्रता पर्ची और राशन में वितरण पूरी तरह नहीं होने का। अभी ऊर्जा विभाग की शिकायतें हैं 4,530 कि हमको जन जागरण करना चाहिए कि भैया 100 रुपया तो दे दो। अब वो 100 ही रुपया नहीं देते, बाद में फिर लगता है उस पर सरचार्ज, तो बड़ा बिल आता है तो फिर बड़े बिल की शिकायत होती है कि बड़ा बिल आ गया। अब 100 रुपया की जो बिजली दे रहे हैं वो 1,000 रुपया में आती, किसानों को जो 5 हॉर्स पावर पे अपन देते हैं तो लगभग 48,000 रुपया सरकार के खजाने से भर रहे हैं, तब उनसे 3,750 रुपया लेते हैं। मुझे लगता है कि इसमें दड़ेगमी से बात करनी चाहिए। इतना पैसा तो मोबाइल के बिल का हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमको लाचार होने के बजाय अवेयरनेस क्रिएट करने का एक ऊर्जा के बारे में अभियान चलना चाहिए। एक विभाग को दक्षता के साथ काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक करने के लिए जिले में टीम बने, जनप्रतिनिधियों की भी और अधिकारियों की भी। अगर आप हमारे चैनल की खबरें अपने व्हाट्सएप पर देखना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए नंबर पर अपना नाम पता व्हाट्सएप करें, हम आपको पर्सनल नंबर पर दमोह जिले की खबरें भेजेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप खबरें प्राप्त कर सकते हैं।